नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैमसंग के A6 मॉडल की FRP रीसेट करेंगे बाईपास। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे करेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं FRP लगी हुई, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे FRP मांग रहा है, पैटर्न मांग रहा है, पिन लॉक। यहाँ पे देखिए FRP मांग रहा है, आगे नहीं जा रहा है फ़ोन। तो इसका सोल्यूशन हम बाईपास करेंगे आज। तो हमें छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होगा कंप्यूटर के अंदर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सैमसंग FRP 2020 V1, इसको ओके कर लीजिए। चालू करने के बाद में फोन को रिस्टार्ट करना होगा हमें। तो देखिए दोस्तों, अब हम फोन को रीस्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद में हमें इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करना ज़रूरी है, अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो इसमें गूगल का पेज नहीं ओपन होगा। कनेक्ट करने के बाद में केबल लगा दीजिए फ़ोन के अंदर, और आपके PC में USB ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद में टूल में जाइए, सैमसंग वाले में, सैमसंग FRP में, और इसमें बाईपास FRP पे ओके कर दीजिए। इसमें दे रखा है कि फ़ोन में वाईफाई जोड़ना अनिवार्य है, तो हमने वाईफाई को पहले से ही जोड़ रखा है फ़ोन के अंदर, देख लीजिए दोस्तों। फिर इसको यहाँ से ओके कर देना है। फिर दोस्तों, फ़ोन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। टूल में भी कनेक्ट होके इसमें लिंक को ओपन कर देगा मोबाइल के अंदर, जिससे हम सीधे क्रोम ब्राउज़र में पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम क्रोम ब्राउज़र का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, इसमें व्यू पे हमें क्लिक करना है, जिससे हम क्रोम ब्राउज़र में पहुंच गए सीधे के सीधे। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे वो गूगल अकाउंट मैनेजर वाला भी सिस्टम कर किया था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ। तब मैंने फिर टेक्नोकेयर का अपनाया था सिस्टम, टेक्नोकेयर ट्रिक वाला। यहाँ से टेक्नोकेयर ट्रिक APK डाउनलोड कर लीजिए कोई भी वेबसाइट से। मैंने एंड्रॉयड ऑप से डाउनलोड किया है इसको। इसके बाद में APEX लॉन्चर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे हम फ़ोन के अंदर पहुंच सके, सेटिंग को ओपन कर सकें। इसको भी किसी भी साइट से डाउनलोड कर लो, मैंने APK प्योर से डाउनलोड किया है इसको। देखिए दोस्तों, दोनों डाउनलोड्स हो रहे हैं। मैंने पहले गूगल अकाउंट मैनेजर भी बहुत डाउनलोड, हर एक वर्जन का डाउनलोड करके देख लिया, पर उसमें सक्सेस नहीं हो पाया मैं। तो मैंने ये टेक्नोलॉजी ट्रिक अपना रहे हैं अब इसमें, इसमें देखते हैं सक्सेस होते हैं नहीं होते। APEX लॉन्चर वो इंस्टॉल कर लीजिए फिर।
देखिए अपेक्स लॉन्चर से हम सीधे फ़ोन पे अंदर पहुंच गए हैं। आप स्किप कर दीजिए यहाँ से। सबसे पहले हम सेटिंग में अंदर जाएंगे, डिवाइस एडमिन एडमिनिस्टर पर जाके उसको डीएक्टिवेट करेंगे अकाउंट को, फाइंड माय फोन को। डिवाइस एडमिन इसमें पहले से डीएक्टिवेट हो रखा है, पर हमने वापस एक्टिवेट करके वापस डीएक्टिवेट कर दिया इसको कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल करेंगे। अब इस फ़ोन के अंदर हम टेक्नो केयर एपीके इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद भी अपनी आईडी लगाएंगे। जैसे अपनी आईडी सेट हो जाएगी इस फ़ोन के अंदर, फिर हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। चार्ज लगा लेते हैं, कहीं ऑफ ना हो जाइए। 8% है। हमने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, अब अपना अकाउंट ऐड कर देंगे हम। देखिए दोस्तों टेक्नो केयर एपीके है जो प्रॉब्लम कर रहा है बीच बीच में, पर हमें इसकी टेंशन नहीं लेना है, हमें अपना काम करते रहना है। फेल दिखा रहा है। देखते हैं होता है नहीं होता। हमने हमारा अकाउंट ऐड कर दिया, फिर भी ये क्लोज ऐप दिखा रहा है और एरर दे रहा है। फिर वापस से हम गूगल सर्विस को इनेबल कर देंगे। फाइंड माई फोन वाले लॉन्चर को भी एक्टिवेट कर देंगे हम। फिर फोन को रीसेट कर देंगे हम फोन को। फिर देखेंगे हमारा अकाउंट ऐड हुआ या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों अकाउंट ऐड हो चुका है और हमारी FRP सक्सेसफुल हो चुकी है टेक्नोवेट फिट वाले से तरीके से। हेलो।
देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है अभी, बट ये क्या हो गया, इसमें गूगल प्ले सर्विस ऑफ दिखा रही है, चालू भी नहीं है। ये प्रॉब्लम टेक्नोकेयर एपीके के कारण आ गई है हमारे फ़ोन में, तो हम इसको फिर से रीस्टार्ट कर देंगे, रीसेट कर देंगे, जिससे फ़ोन वापस से रनिंग मोड में आ जाएगा और सही हो जाएगा।